चले भाई नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो दोस्तों मैंने आपको पॉलिटी के अभी तक 3 सेशंस हैं, आपको टेस्ट सीरीज जो एक तरीके से मैं चला रहा हूँ उसके मैंने लगभग 75 क्वेश्चन आज करा दिए हैं, और आज मैं उसका चौथा सेशन प्रेजेंट करूंगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैं 25 25 सेशन का मैंने आपको बताया है कि ये पूरी सीरीज में आपको 25 25 सेशन का करा रहा हूँ और ये इसका चौथा सेशन है, और उम्मीद करता हूँ ये सेशन भी आपको काफी अच्छा लगेगा। तो पहला देखिए, 25 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने थर्ड पार्ट में करा दिए, तो उसके आगे के हैं यानी दो हर सेट में आपके 25 25, तो 26 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का और 26वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, आर्टिकल 3 में या 239 में, 336 में, 368 में। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, तो वो हमने ली है साउथ अफ्रीका से, भाग 20 में रखा गया है, और किस आर्टिकल के तहत आता है, तो वो आता है आर्टिकल 368 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार पूछा जाता है आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है यानी कैन इनिशिएटिव बी टेकन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, किस में की जा सकती है, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभा में, या संसद के किसी भी सदन में। पूछा गया है संविधान में संशोधन की पहल कहां की जा सकती है, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि संसद के किसी एक सदन में करी जा सकती है इसको, और मैंने बताया संशोधन कहाँ होता है, तो भाई वो संसद में होता है। निलंबन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं, और इसका संरक्षक गार्जियन कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होती है, ऑलरेडी बता रखा है आपको इससे पहले वाले सेशंस में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 2012 का 97वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित था, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के मुक्त निवार शिक्षा से, या सहकारी समितियों से, आतंकवाद को खत्म करने से, या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सहकारी समितियों से। ध्यान रखिएगा 97वां संशोधन अधिनियम। आगे बढ़ते हैं, अगला है दोस्तों कि भारत सरकार के बजट में कुल कितने कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है, ठीक है, बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, या फिर रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। ये आपको बताना है कि भारत सरकार के बजट में कुल घाटे का सर्वाधिक योगदान जो है, सबसे अधिक योगदान होता है किसका होता है, तो वो होता है आपका फिस्कल डेफिसिट का। ध्यान रखिएगा राजकोषीय घाटे का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बोला है पॉलिटी के हर तरीके के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, और ये इसका चौथा सेशन है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, भारत सरकार के बजट में आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को क्या कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इन द फिगर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स। तो ऑप्शन है फिस्कल डेफिसिट, या फिर बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बजटीय घाटा। ध्यान रखिएगा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बजटीय घाटा, यानी भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच का अंतर क्या है। तो देखिए आंसर भी लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा बजटीय घाटा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है, ठीक है, व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ द बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर कंसिडरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर एज द बेसिस। तो बिल्कुल नाम के हिसाब से इसका जो है इसका नाम भी है, तो वो बजट भी है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा परफॉर्मेंस बजट। ध्यान रखिएगा जो बजट हमारा तैयार कराया जाता है पिछले जो करंट ईयर के देख करके, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस बजट, ठीक है। अगला सेशन ले लेते अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। वेरी इजी, मैंने आपको बताया कि राज्यपाल की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा करी जाती है, तो वो करी जाती है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यपाल की अपॉइंटमेंट करी जाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, ठीक है, सिद्धांतों में से मूल अधिकार से, अच्छा वो शिक्षा का अधिकार है किसमें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, ऑप्शन ए ये है, मूल अधिकार है, सर्वाधिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि शिक्षा का अधिकार 21A में, और 12 से 35 तक हमारा जो जो आर्टिकल चलता है वो किसके तहत चलता है, तो वो चलता है फंडामेंटल राइट्स के तहत, मौलिक अधिकारों के तहत। ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, यानी देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिमूव विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी पूछा गया है कि इसमें से किसके खिलाफ इंपीचमेंट नहीं लाया जा सकता, किसको नहीं हटाया जा सकता, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, गवर्नर, गवर्नर को ध्यान रखिएगा नहीं हटाया जा सकता, उसके खिलाफ इंपीचमेंट, महाभियोग नहीं लाया जा सकता। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं, वो राज्यपाल करते हैं, किस आर्टिकल में करते हैं भाई, 164, ध्यान रखिएगा 164 में मुख्यमंत्री की अपॉइंटमेंट होती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं,
राज्यपाल की के पद को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, विधानसभा के अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो देखिए पूछा क्या गया, राज्यपाल, राज्यपाल कहाँ होता है? स्टेट में होता है। तो जैसे राष्ट्रपति क्या होता है? सेंट्रल में, उसको कौन दिलाते हैं? सीजीआई दिलाते हैं। उसी तरह राज्यपाल कहाँ होता है? वो आपका स्टेट में होता है, तो उसको कौन दिलाएंगे? तो उसको दिलाएंगे उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के जो है कि चीफ जस्टिस दिलाएंगे। जैसे अगर अभी बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो हमारे राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। अगर मान लीजिए आनंदीबेन पटेल अभी राज्यपाल बनती तो उनको कौन दिलाता? तो यहाँ के जो चीफ जस्टिस हो जाएंगे इलाहाबाद कोर्ट के, संजय यादव, तो वो उनको शपथ दिलाते। ठीक है, तो इसी तरह आपको ध्यान रखिएगा राज्यपाल की पद को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बाई वोम आर द जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अपॉइंटेड, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? तो देखिए जो जिला न्यायालय होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उसके जो मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं वो गवर्नर की अपॉइंटमेंट, यानी गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है, गवर्नर के द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यानी पूछा गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अच्छा कैग पूछा गया, सॉरी कॉम्प्टोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पूछा गया, कैग जो कि करंट में हमारे कौन है भाई, कैग, तो वो राजीव महर्षि हो जाएंगे। और पूछा जाएगा कि सॉरी राजीव महर्षि नहीं, अभी हमारे कैग जो हैं वो हो जाएंगे जीसी चतुर्वेदी, आई थिंक जो पहले हमारे हमारे जो है क्या जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर थे, ठीक है, वही हैं अभी करंट में हमारे कैग, और शायद वही हैं जीसी चतुर्वेदी हैं, अगर मैं सही हूँ उनका नाम तो, हाँ जीसी चतुर्वेदी हैं शायद, चले अभी नाम याद आ जाएगा, अगर नहीं भी याद आ रहा होगा तो। हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ या फिर फाइनेंस मिनिस्टर? तो ध्यान रखिएगा कैग हो गया या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, जीसी मुर्मू, ध्यान रखिएगा नाम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जीसी मुर्मू, यही मुझे याद नहीं आ रहा था। जीसी चतुर्वेदी जो हो जाएंगे ना वो आपके हो जाएंगे, जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना उसके हो जाएंगे आपके जो है डायरेक्टर, और वहीं अगर सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे जो है कि आपके क्या नाम है इनका, इनका भी नाम बहुत अच्छा सा है, एस विजय करके है, इनका भी नाम अभी मुझे याद आ जाएगा अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पूछा जाएगा। फिलहाल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पूछा जाएगा तो वो जीसी चतुर्वेदी हो जाएंगे, और गोविंद चंद जीसी मुर्मू जो हो जाएंगे, गिरीश चंद मुर्मू जो हो जाएंगे, वो हमारे करंट में कैग है। और कैग की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा करी जाती है? तो वो करी जाती है, हाँ देखिए एस रवि नाम है, जो मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, आई थिंक बहुत हॉच पॉच हो गया होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे एस रवि, और वहीं अगर पूछा जाएगा आपको कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो जीसी चतुर्वेदी यहीं से शुरू हुआ था, क्या हमारे करंट में कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जीसी मुर्मू, ठीक है। और प्रेसिडेंट पूछा जाएगा कि क्या की अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो वो प्रेसिडेंट करते हैं, एजीआई हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, क्या हो गया इनकी अपॉइंटमेंट, या यूपीएससी के चेयरमैन हो गया, इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा करी जाती है? तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं, लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए 22 सदस्य होते हैं, 15 आपके ध्यान रखिएगा लोकसभा से होते हैं, और 7 कहां से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। करंट में पूछा जाएगा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है, यानी किसको चेयरमैन बनाया गया है? तो वो विपक्ष के नेता होते हैं, और वो हो जाएंगे अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो पहले ही से लगा हुआ है, कोई बात नहीं, प्राकलन समिति। प्राकलन समिति में ध्यान रखिएगा 30 मेंबर होते हैं, और एक भी मेंबर राज्यसभा से नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऐसी कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा से मेंबर नहीं होता? तो वो हो जाएगा प्राकलन समिति। सबसे अधिक मेंबर किसमें होते हैं? तो इसी प्राकलन समिति में होते हैं 30 मेंबर। करंट में प्राकलन समिति के अगर अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो वो जाएंगे गिरीश बापट, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज है उनको आर्टिकल 105 में रखा गया है, कि 105 आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज को रखा गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभा में निर्वाचन का प्रावधान करती है? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178 या अनुच्छेद 172? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पूछा क्या क्या है आपको, विधानसभा पूछा गया, तो वो क्या हो जाएगा 170, क्योंकि विधान परिषद मैंने आपको बताया था कि 169 में आ सकता है, और 169 में ही हटाया जा सकता है, और 170 में क्या हो जाएगा आपका, विधानसभा हो जाएगा, और 168 में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जो है कि लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? अब देखिए विधानसभा का अध्यक्ष पूछा गया, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या विधानसभा सदस्य? तो जाहिर सी बात है विधानसभा अध्यक्ष पूछा गया तो कौन करेंगे भाई, सदस्य ही करेंगे, जैसे लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का करते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो कहां हो जाएगी भाई, विधानसभा मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती है, 500, ठीक है, जिसमें सबसे अधिक सीट कहां पे, यूपी में 403। मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती है, 60। सबसे कम पूछा जाएगा तो कहां पे, 32, वो कहां हो जाएगा, सिक्किम, जबकि गोवा और मिजोरम में भी 40-40 है, ये भी अपवाद है, मिनिमम 60 होनी चाहिए लेकिन सिक्किम में आपकी 32 ही, और मैक्सिमम कहां हो जाएगी, वो उत्तर प्रदेश में हो जाएगी 403। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों,
कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, पुलिस, जस्टिस, जेल या फिर एजुकेशन। तो शिक्षा क्या हो जाएगा, ये हमारे मौलिक अधिकारों में है, ठीक है, और ये जो है आपका राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई। तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, यूएसए से हमने क्या क्या लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गया, जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू हो गया जिसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, उसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता हो गई, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इम्पीचमेंट हो गया, महाभियोग हो गया, ठीक है, ये हमने यूएसए से लिया है। कनाडा से मैंने बताया था गवर्नर की पोस्ट लिया है। ऑस्ट्रेलिया से जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जो है कॉन्करेंट लिस्ट। और जापान से तो लॉ दैट वी हैव टू फॉलो, कानून जो हमको फॉलो करना है वो हमने कहां से लिया हुआ है, जापान से लिया हुआ है, ठीक है। जबकि लॉ मेकिंग प्रोसीजर पूछा जाएगा तो हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा दोस्तों बताया आपको कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी पे आप लोगों के लिए बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे जो है कि जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी तरफ से आपको जो बहुत सारे बैच कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। उनके बारे में मैं बता देता हूं कि कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पेड क्लासेस, पेड कोर्सेज भी हैं और फ्री क्लासेस भी हैं। टॉप एजुकेटर्स जो हैं आपको टॉप बैचेस प्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको इस पे जो जो आपको बेनिफिट्स है वो मैं बता दूं कि देखिए 30+ जो है आपको बैच कोर्सेज एवरी वेडनेसडे को लॉन्च होते हैं, 300 क्लासेस पर डे चलती हैं, 70+ जो एजुकेटर्स जो है रेगुलर आपको पढ़ाते हैं, जिसमें सबके पीडीएफ, सबके टेस्ट सीरीज, सबके नोट्स जो है वो आप पा सकते हैं, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट है, 20,000 आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, 90% ट्रस्टेड लर्नर जो इसका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे एजुकेटर्स है जो आपके लिए बैचेस, फोनिक्स बैच हो गया, ब्रह्मास्त्र बैच हो गया, सिलेक्शन बैच हो गया, सफलता बैच हो गया, स्ट्रांग लाइनअप है आपके जो है बैचेस की, जिसको आपको पूरा का पूरा फायदा मिलेगा आपके एग्जाम्स के, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, ठीक है, एसएससी में, एचएसएल की, सीजीएल की, जीडी की, एफएसीपीओ की, किसी की भी कर रहे हैं आपको। और अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं पेड के साथ जाते हैं तो 2500 रुपए की टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, यानी आपको टेस्ट सीरीज के लिए भी कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। प्लस अनअकैडमी कॉम्बैट कराती है हर संडे को 12 बजे, आपको बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, आप कॉम्बैट जा सकते हैं, दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, और लाइव होता है। एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी पे, वहां पे कोड पूछेगा तो आपको ये कोड टाइप करना होगा vimlesh@14, ठीक है, ये कोड टाइप करना होगा vimlesh@14, और इससे आप कॉम्बैट ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस पेड क्लासेस के लिए भी आप 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ या 1 मंथ कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यही कोड टाइप करना होता है, वो जगह vimlesh@14, ठीक है, और आप ऑल सेट हो जाते हैं एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। चलिए वापस हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, होप ये आपको समझ में आ गया होगा। वापस हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चंस हमने छोड़े हैं भाई आगे के क्वेश्चंस ले लेते हैं। चले तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, मजदूर संघ, शेयर बाजार तथा भावी बाजार, जंगली जानवर तथा पक्षियों का संरक्षण या फिर जंगल। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा हमारी समवर्ती सूची में नहीं आता है, सॉरी स्टेट लिस्ट में नहीं आता है, वो क्या हो जाएगा, वो स्टेट या फिर सेंट्रल लिस्ट में नहीं आता है, वो क्या हो जाएगा, शेयर बाजार तथा भावी बाजार। ये ध्यान रखिएगा हमारी समवर्ती सूची में शेयर बाजार तथा भावी बाजार नहीं आते हैं। आगे चलते हैं, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर हाउ मेनी इयर्स आर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सिलेक्टेड, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स। देखिए मैंने आपको बताया कि जो राज्यसभा होती है और जो विधान परिषद होती है दिनों बिल्कुल सेम होती है, वो भी आपका जो स्थायी परमानेंट हाउस होता है, विधान परिषद भी परमानेंट हाउस होता है, उसका कार्यकाल भी 6 साल का होता है, तो इसका कार्यकाल भी कितने साल का हो जाएगा, तो ये भी 6 साल का हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, उस राज्यसभा की विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर या राष्ट्रपति और राज्यपाल के अनुशंसा पर। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पे, राज्यपाल ही चाहेगा वहां पे तो फाइनल अप्रूवल यही राज्यपाल ही देते हैं, जहां पे विधान परिषद लाया जा सकता है या हटाया जा सकता है। ये सब किस आर्टिकल में होता है, ये सब होता है 169 आर्टिकल में। आगे बढ़ते हैं, राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्यों को विधानसभा द्वारा चुना जाता है, ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स आर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 1/3, 1/3 लोगों को जो है विधानसभा परिषद के द्वारा, विधानसभा परिषद के कितने सदस्यों को विधानसभा द्वारा चुना जाता है, तो वो हो जाएगा 1/3। आगे बढ़ते हैं, और विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो मैंने कहा है कि ये नंबर जो है आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 6 वाला, और राज्यपाल पूछा जाएगा तो 1/6, और अगर पूछा जाएगा आपको जो है कि विधानसभा तो 1/3, इसी तरह स्नातक पूछा जाएगा, ठीक है, तो वो कितने करेंगे, तो 1/12 जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये सारे अच्छे क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा, और मैंने कहा कि 25-25 क्वेश्चन ही करके मैं कराऊंगा, और ये आज का 25 क्वेश्चन हो गया, टोटल 50 क्वेश्चन आज के, इससे पहले वाले सेशन में और इस सेशन में, और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं यही कहूंगा
इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए और पूरा फायदा उठाइए। चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो मिल रही हैं आपको, इसका पूरा फायदा उठाइए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।